तो ये था मेरा शॉपिंग हॉल पार्ट वन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट टू के साथ, शॉपिंग हॉल पार्ट टू, लेट्स स्टार्ट। जो नेक्स्ट है वो है ये पर्ल से, क्यूट से पर्ल हुप्स, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये मेरे इस नेक पीस के साथ भी जाएंगे। ये मिला था मुझे 35 रुपीज़ में एंड ये मुझे मिला है 30 रुपीज़ में, तो मतलब 60-65 रुपीज़ में आपका पूरा पेयर सेट तैयार हो गया, नेकलेस विद इयररिंग। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मतलब इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको इनको पहन के दिखाती हूँ एक बार। मार्केट में अगर आप इन्हें लेने जाओगे तो आपको भी 50-60 रुपये से कम के नहीं मिलेंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैंने पता करा है तो वहाँ पे इतने का ही मिल रहा है ये। सो लुक एट दिस, दिस सुपर क्यूट एंड सुपर अफोर्डेबल। इनकी ज्वेलरीज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्राइस कम है बट क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी रिसीव होगी। आप यहाँ से मेरी रिकमेंडेशन में ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज दे हैव अ रियली गुड कलेक्शन एंड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, एज यू कैन सी ये इयररिंग्स एंड ये नेक पीस। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी अगेन एक ज्वेलरी प्रोडक्ट है, इस डब्बे में आया ये नेक पीस, एक नेक पीस है छोटू सा। इनकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, मतलब एक डब्बी भी दे रहे साथ में, तो रखने की भी टेंशन नहीं, इजीली आप इन्हें रख सकते हो, संभले हुए रखे रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो इस छोटे से पैकेट में ये है। सो ये है वो नेक पीस, ये एक क्यूट बटरफ्लाई का नेक पीस है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो ये इसकी चेन भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल प्लेन ही है, बीच में आपको ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े से ये मिल जाएंगे डंडे टाइप के, तो इसकी चेन में भी डिज़ाइन है एंड ये एक डायमंड का बटरफ्लाई का पेंडेंट है, छोटा सा क्यूट सा। एंड जो इसकी कॉस्ट है वो है 79 रुपीज़ एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब एंड ये पहनने पर भी काफ़ी अच्छा लगे। सी दिस लुक्स ब्यूटिफुल ना। सो अगेन नेक्स्ट एक नेक पीस है सेम, वो भी ऐसे डिब्बे में रिसीव हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रोज गोल्ड कलर में एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको मिल जाएगा हार्ट बीट, एक हार्ट और बीट के साथ, हार्ट बीट की शेप में। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में, वो आता था ना शीन पे भी इस टाइप के पेंडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते थे, और इसका कलर जो प्रॉपर रोज गोल्ड कलर है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड ये आपको इस तरीके से आएगा। एंड इसकी जो कॉस्ट है वो है जस्ट 36 रुपीज़ के हिसाब से। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेक पीस काफ़ी अच्छा है, मतलब क्वालिटी तो अब तक मैंने जितना आपको दिखाया सबकी A1 ही निकली है, तो ये भी उसी सेम क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको हार्ट पे छोटे छोटे से डायमंड मिल जाएंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ, बाकी प्लेन है एंड ये प्यारी सी क्यूट सी पत्ती सी चेन के साथ है, लॉकेट इसमें पीछे, तो दिस इज ऑल्सो सुपर क्यूट नेक पीस। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये आईलाइनर पेन। ये आईलाइनर पेन मैंने अभी तक आज से पहले यूज़ नहीं किया था, बट ये मुझे दिखा, ये मुझे मिला जस्ट 18 रुपीज़ में, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि 18 रुपये में आपको एक पेन मिल रहा है आईलाइनर पेन, तो कैसा वर्क करता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो निप है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है एंड हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। वाओ, एक स्ट्रोक में इतना पिगमेंटेड, वाओ यार, 18 रुपये में आपको ये आईलाइनर पेन मिल रहा है, दिस इज सुपर अमेजिंग यार। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जेड ब्लैक और एक स्ट्रोक में इसने कितना अच्छा सा कलर दिया है, पिगमेंटेशन दिया है, और इतना स्मूथली ग्लाइड हो गया मेरे हाथ पे एक ही स्ट्रोक में। दिस इज स्मज प्रूफ ऑल्सो, ये सुपर ग्लॉसी भी नहीं है, सुपर मैट भी नहीं है, ये बीच का है कुछ, बट काफी ज्यादा अच्छा है यार, आई हाईली रिकमेंड दिस आईलाइनर पेन। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये फेस रेजर, टिंकल रेजर्स। ये मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ, बट मैंने अमेजोन से परचेज किए थे, वो मुझे मिला था 150 रुपये का समथिंग, कुछ 3 का ही सेट, बट ये मुझे मिला है यहाँ से 32 रुपीज़ का एंड ये सेम है क्वालिटी वाइज भी, इसने वर्क भी सेम करते हैं, और ये मुझे मिला आधे से भी आधे प्राइस में, लाइक 32 रुपीज़। अगर आप फेस पे रेजर करते हो या ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ से फेस रेजर परचेज कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में यहाँ से फेस रेजर मिल जाएंगे जस्ट 30 रुपीज़ में, तो आई हाईली रिकमेंड दिस रेजर। फेस रेजर को यूज करने में कोई नुकसान नहीं होता है, कई लोगों के दिमाग में परसेप्शन होते हैं कि डार्क हेयर्स आते हैं, ब्लैक आते हैं, आदमियों जैसे बाल आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं फेस रेजर यूज करती हूँ, 1 साल हो गया मुझे यूज करते हुए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, कोई दिक्कत आपको भी नहीं आने वाली, आप यूज कर सकते हो फेस रेजर इस टाइप की, आई हाईली रिकमेंड दिस सिंगल फेस रेजर इन जस्ट अ गुड प्राइस, सो यू कैन गो विद। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्टैंड, हाँ मैं आपको बताती हूँ क्या है, ये है मोबाइल स्टैंड, लाइक आपका जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ पे आपका प्लग पावर प्लग लगा होता है, आप इन स्टैंड्स को वहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे पीछे आपको डबल टेप मिल जाएगी इस तरीके से, या फटा के वहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस तरीके से, देन आप इसमें अपना फोन रख सकते हो, यहाँ से आप अपनी डाटा केबल निकाल सकते हो,
तो इससे आपके फोन काफी ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। लाइक आपके चार्जिंग पॉइंट के पास कोई चीज ऐसी रखने वाली नहीं है, फोन को गिरने का डर रहता है कई बार, कुछ खतरा ना हो जाए, तो आप इस तरीके के ये स्टैंड लगा सकते हो वहाँ पे, जिससे आपका फोन सिक्योर रहता है एंड काफी ज्यादा क्यूट भी लगता है, थोड़ा सा एस्थेटिक सा लगता है। तो ये मुझे मिले 15 रुपए का एक, 30 रुपए में दो मिले हैं मुझे ये। सो दीज आर सुपर क्यूट एंड ये काफी ज्यादा मतलब काम आने वाली चीज है, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट है वो है ये है हेयर स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। मतलब आप शैम्पू लगाते हो तो उसके बाद आपको एक मसाजर चाहिए होता है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूज करना चाहते हो तो नहीं। मुझे ट्राई करना था इसलिए मैंने परचेज किया, कम प्राइस में मिल रहा था तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। तो इस तरीके का आपको एक ब्रश मिलता है, एक हैंडल के साथ आता है, यहाँ पे आप इसे हैंडल लगा सकते हो इस तरीके से ना, अब आप इसको इस तरीके से पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो एंड इससे आप अपने ब्रश को, अपने स्कैल्प को मसाज कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो। इसके जो ब्रिसल्स है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, सिलिकॉन ब्रिसल्स है एंड कलर मुझे काफी अच्छा रिसीव हुआ है येलो में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाती है एंड आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपकी स्कैल्प में डेंड्रफ है, ऑयली है आपकी स्कैल्प, तो ये काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है मतलब आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में। मुझे मिला है 59 रुपीज में। सो जो नेक्स्ट है वो है ये एक मतलब फेस क्लींजिंग वो है स्पॉन्ज। हाँ तो ये इसकी शेप इस तरीके से है, इसमें लिखा था कि आप पानी में डालोगे तो ये स्पॉन्ज की शेप में आ जाएगा, तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम ओपन करते हैं, इस तरीके से आपको 12 पीस मिल जाएंगे, आइसक्रीम स्टिक की शेप में है। हम इसमें से एक निकाल के चेक करते हैं कि इस तरीके से मिल जाएगा आपको 12 स्टिक्स। इसको हम इसे पानी में डिप करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। सो गाइस ये बन गया एक स्पॉन्ज, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज जिसे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, मेकअप रिमूव कर सकते हो, या आप स्किन केयर करते हो, स्क्रब करते हो, फेस पैक लगाते हो, तो इसे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। 12 स्पॉन्ज आपको मिल जाएंगे इस तरीके के एंड दिस इज अ सुपर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये यार, दिस इज अ सुपर सॉफ्ट। एंड जो इसकी प्राइसिंग है वो मिली है मुझे 55 रुपीज में, 55 रुपए में 12 पीसेस, तो बढ़िया है यार, बढ़िया है। नेक्स्ट है वो है कि मोबाइल स्टैंड, ये इस तरीके का स्टैंड है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लाइक इसमें काफी ज्यादा ऐसे खाने से मिले हुए, पहले पे लगाना है, दूसरे पे लगाना है, तीसरे पे या फोर्थ पे, जैसे आपको मोबाइल की वो चाहिए मतलब क्या स्लांट हाइट चाहिए, उस तरीके से आप इसमें यहाँ पे मोबाइल को एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको टेबल पे रख सकते हो, अगर आप वर्क करते हो, लैपटॉप वर्क करते हो, कंप्यूटर टेबल है आपके पास या कोई भी टेबल है इस तरीके की, तो आप उसमें रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो मोबाइल को रखने के। और ये मुझे 15 रुपए का मिला, मुझे ऐसे स्टैंड की काफी ज्यादा जरूरत है, बिकॉज कई बार हम फोन को सामने रख के कुछ कोई चीज देखनी होती है, मूवी देखनी होती है, कुछ भी देखना होता है या कोई काम करना होता है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा काम आने वाली चीज है, सस्ती सी है, अच्छी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे 15 रुपए में मिला बस। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये टेलकॉम। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सी चीज है लाइक टेलकॉम, बट मुझे ये काफी ज्यादा कम प्राइस में मिल रही थी और मुझे चाहिए भी थी तो मैंने परचेज कर ली, पहले थी मेरे पास बट खो चुकी है। टेलकॉम काफी ज्यादा काम आती है आपको हेयर स्टाइलिंग में, अगर आप हेयर स्टाइल करते हो तो टेलकॉम होना आपके लिए मस्ट है। तो ये मुझे मिली जस्ट 35 रुपीज में, क्वालिटी काफी अच्छी, सुपर क्यूट एंड स्लिम सा ये टेलकॉम है, तो आप इसे खरीद सकते हो। अगर आप कुछ टेलकॉम में कम प्राइस में देखना चाह रहे हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो जस्ट 35 रुपीज में। जो मेरे नेक्स्ट लास्ट 2 प्रोडक्ट बचे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, मतलब मैं उन्हें रिटर्न करूंगी या रिटर्न नहीं भी करूंगी, सस्ते से तो पड़े रहेंगे, क्या ही रिटर्न करो। तो ये था एक ब्यूटी ब्लेंडर जो कि पत्थर की तरह बिल्कुल हार्ड है, अगर आप किसी को फेंक के मारोगे तो उसके जरूर चोट लग जाएगी, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। ये मुझे मिला था 10 रुपए में, बस मुझे ट्राई करना था कि लाइक 10 रुपए में कैसा ब्यूटी ब्लेंडर आता है, इसीलिए मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए मंगवाया था। अवॉइड करना ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ से लेना, बिकॉज ये काफी ज्यादा बिल्कुल पत्थर की तरह स्ट्रांग है ये तो। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो ये आई लैश कर्लर, ये 30-35 रुपीज का मिला है, बट ये मुझे थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इतना अच्छा पसंद नहीं आया, थोड़ा सा आवाजें सी आ रही है, हिलडुल सा रहा है, मैंने ट्राई करके नहीं देखा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। खोल तो हो गई यार, बट मुझे ये देखने में नहीं सही लग रहा, मतलब मुझे इसकी क्वालिटी वाइज थोड़ा सा लग रहा है, बट काम इसने अच्छा करा तो ठीक है। मैंने अभी यूज करा, मैंने पहले यूज भी नहीं करके देखा था, पसंद आया 35 रुपए में, और क्या चाहिए यार, ये वाला भी करके देखते हैं। आपको दिख रहा
रहा होगा, देखो आईलैश कर्ल हो गई है, तो मतलब इसने अपना काम कर दिया। बट मुझे इसकी क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा हिल रहा है और यहाँ से ना थोड़ा टेढ़ा सा है ये, यहाँ से देखो अब थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। बट ठीक है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप देख सकते हो, बिकॉज इतने कम प्राइस में तो आपको आईलैश कलर नहीं मिलने वाला है। अगर आप बिगनर हो, जस्ट ट्राई करना चाहते हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दो रहने दो। क्वालिटी वाइज मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, बट आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। तो इसी के साथ हमारा हॉल खत्म होता है। होप आप लोगों को मेरा हॉल अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा, मुझे तो बहुत मजा आया इन प्रोडक्ट को ट्राई करने में, यूज करने में। एंड मैं आपको हाईली कमेंट करूंगी कि आप ऐसे ट्राई कर। आप लोगों को कोई भी चीज मेरे हॉल में से पसंद आई तो आप विदाउट एनी डाउट इन्हें परचेज कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी तो हमेशा मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और आप कौन सा प्रोडक्ट ट्राई करने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।